हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। लर्नर जोन में आप सभी का स्वागत है। आज साइंस टेक के हम अगले लेक्चर में आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी की। अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी को ठीक से देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आज की डेट में। अगर ग्रीन एनर्जी की हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें न्यूक्लियर एनर्जी पे ध्यान देना जरूरी है। यह आपका लेक्चर 7 है, न्यूक्लियर एनर्जी का पार्ट 1 है बेटा। इसके बाद आपका पार्ट 2 भी आएगा इससे रिलेटेड। न्यूक्लियर एनर्जी कुछ नहीं होती है, एक रिएक्टर होता है। अभी हम न्यूक्लियर के बारे में बात करेंगे। उसको ले जाया जाता है, उसका फ्यूजन कराया जाता है और फ्यूजन के बाद जो चीज निकलती है उसको इंजन रूम में ले जाते हैं, फिर वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं, वाटर वेपर बनता है और उससे फिर ये जलता है। भाई कोल एनर्जी वाला काम सीधे है, कूलिंग सर्किट है, तो ये पूरा काम करके फिर इलेक्ट्रिक आती है और ये घरों तक पहुंच जाती है और बिजली पैदा होने लगती है। अब न्यूक्लियर पावर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज की जाती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर फ्यूजन से है ना, न्यूक्लियर डीके न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से ली जा सकती है। 90% जो हमारे यहाँ न्यूक्लियर है वो फ्यूजन ऑफ यूरेनियम और प्लूटोनियम से ही लिया जा सकता है। से न्यूक्लियर फ्यूजन का एक छोटा सा फोटो बनी हुई है, अगर आपको दिख रहे होंगे तो ये तरीका है, इसको किया जाता है। अब देखते हैं एटम क्या है। अगर आप एटम की बात करें तो एटम में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन साथ में कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, ठीक है। यह आपको बेसिक याद रखना पड़ेगा। अगर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अब यहाँ पे बात आती है एटॉमिक स्ट्रक्चर की। बात करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटोन अगर बराबर है तो ये आपका बेटा क्या होता है, एटोमिक स्ट्रक्चर। एक बार ध्यान से देख लीजिए, यहां से हमने ये बात की कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटोन बराबर है तो वो क्या होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं आइसोटोपिक, बहुत बड़ा वर्ड है। जैसे आपको मैंने बताया कि आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप का मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम होगा पर मास नंबर में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो निकलेगा क्या, आइसोटोप। समझिए, नंबर ऑफ क्या लिखा है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन। अगर आप ध्यान दें यहां पर प्रोटोन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटोन और न्यूट्रॉन, जैसे कि प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम पाया जाएगा और जो न्यूट्रॉन है ये चेंज हो सकते हैं, इनका मास इनका नंबर चेंज होगा। जब इनका नंबर चेंज होगा तो वो मास बन जाएगा, मतलब आइसोटोप आर मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एलिमेंट दैट ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स बदलते रहते हैं, मतलब ये जो एन है ये ज्यादा हो जाएगा या मिसिंग होगा, ये हो सकता है। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे हाइड्रोजन की बात करेंगे, एक प्रोटोन है एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन टू की बात करेंगे जिसे ड्यूटेरियम बोलते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है। इसके बाद ट्राइटेनियम की बात करेंगे तो ट्राइटियम में दो न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो इस तरह आइसोटोप का मतलब होता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों को लेना, और मास नंबर में ये चेंज हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो आइसोटोप में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है पर डिफरेंट मास नंबर होता है, क्लियर है। मतलब सेम एटॉमिक नंबर होगा पर डिफरेंट मास नंबर होगा। अब बात करते हैं यूरेनियम की। जैसे यूरेनियम है तो यूरेनियम में यहां पर आपको चेंजेस मिलेंगे, ठीक है। ये चेंज नहीं मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन सेम है, आइसोटोप चेंज हो रहे हैं, ठीक है, मास नंबर चेंज हो रहा है। देखिए 38 है, 35 है, 33 है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये देखिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के नंबर आप देख लीजिए, ये क्लियर है। तो ये डिफरेंस होता है आइसोटोप में, क्या कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, बस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आता। जो भी आपका चेंज होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन में होगा, न्यूट्रॉन में होगा, ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो यहां देखिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में कहीं पर भी चेंज नहीं है, सेम है, सेम है, सेम है। तो चेंज क्या होता है, न्यूट्रॉन, हर जगह चेंज क्या होगा, न्यूट्रॉन कहीं मिसिंग है कहीं ज्यादा है। तो वही चीज यहाँ यूरेनियम में भी है, यूरेनियम में भी न्यूट्रॉन ही है जो सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको समझ में आ गया एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। एटम कुछ नहीं होता, एटम एक सर्कल होता है ऐसा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, यहाँ न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक। ये और ये सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर हो गया। मास में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये इसमें न्यूट्रॉन बदलते रहते हैं इसलिए इनका आइसोटोप चेंज होता रहता है, ठीक है। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 238, 235 एंड 233, ये फर्टाइल है, बाकी ये दोनों फिजाइल है।
अब बात आती है भाई फर्टाइल क्या होता है, फिजाइल क्या होता है। अब हम थोड़ी देर में बात करेंगे फर्टाइल एंड फिजाइल की। तो देखिए फर्टाइल मटेरियल क्या होता है, फर्टाइल मटेरियल का सिंपल सा मतलब होता है जब इससे कहते हैं कि भैया एक काम करो तुम पे हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराते हैं और तुम्हें मैं एनर्जी दे दो। ठीक, इससे कहा गया भैया तुम्हें मैं एनर्जी दे दो। इसने कहा ये तो मैं नहीं दूंगा, मैं क्या करूंगा तुम मुझ पे अगर बम्बार्डिंग करोगे तो मैं एक नया एलिमेंट बना दूंगा, कहूंगा जाओ इससे एनर्जी ले लो। मतलब ये डायरेक्ट सोर्स नहीं है, ये अदर सोर्स को बनाता है और वो आपके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्टाइल मटेरियल में ये हो रहा है कि ये है तो ये एनर्जी सोर्स बन सकता है, बट ये क्या करेगा एक दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और अपनी सारी शक्ति इसको दे देगा, कहेगा इसको शक्तिमान बना लो और इससे तुम बिजली ले लो। मतलब मैं नहीं दूंगा, मतलब ये क्या थोड़ा डिलेड प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पर टाइम लगेगा किसी भी चीज को करने में। ठीक है, तो फर्टाइल में क्या हो गया, चीजें देर से होंगी। ठीक है, फिजाइल में कहा, फिजाइल में जब बात करेंगे तो कोई भी कहेगा कि भाई हम तुमसे एनर्जी चाहते हैं, कहेगा हाँ भैया ले लो, तुरंत ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कहेगा तुम मुझसे एनर्जी तुरंत ले लो, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूंगा, मैं किसी एलिमेंट में नहीं चेंजूंगा, मैं सीधे आपको एनर्जी दूंगा। ठीक, फिजाइल आइसोटोप कैन सस्टेन अ चेन रिएक्शन, फर्टाइल कन्वर्ट होता है एक नए आइसोटोप में, उसके बाद ये काम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जैसे ये अपने आप कुछ नहीं करेगा। आप समझिए इसमें बेटा क्या है, आइसोटोप। ठीक, सबसे बड़ी बात है नेचुरली अगर बात करेंगे तो ये जो है इसके आइसोटोप होते हैं 0.7 और ये होता है 99.3%। 99.3% फर्टाइल में एनर्जी है और इसमें कम है, पर हमें फिजाइल ही भाई रिएक्शन के लिए चाहिए, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, बट फर्टाइल भाई कुछ भी होगा तो ये कहेगा भैया मैं फ्यूजन कर लूंगा, है ना, तो मैं अपने आप नहीं करूंगा, आप एक एलिमेंट बना दीजिए, मैं फ्यूजन में इतनी मदद कर दूंगा। मतलब अगर यूरेनियम 238 पे आप बॉम्बार्डिंग करते हो न्यूट्रॉन की, तो ये क्या करेगा, ये न्यूट्रॉन आपको प्लूटोनियम 239 दे देगा और आप इससे एनर्जी बनाएंगे। फिर से समझिए, एक न्यूट्रॉन को हमने बॉम्बार्ड किया किससे, यूरेनियम 238 से, तो इसने कहा भाई देखो मैं तुम्हें नया मटेरियल दे रहा हूँ Pu239, तुम इसके साथ जाओ और इससे एनर्जी निकाल लो, मेरे पास टाइम नहीं है। फिजाइल कहता है कि भाई तुमको जो करना है मेरे पास भेज दो, मैं अपनी पूरी एनर्जी खुद लगा दूंगा, जितनी भी है उसे डाला दूंगा। तो यूरेनियम 235 एंड 233 जो है ये फिजाइल माना जाता है। तो हम 90% कोशिश करते हैं फिजाइल एलिमेंट को यूज करने की। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग कराई हमने कहीं पे भी, यूरेनियम हमने यहाँ रखा, अगर यहाँ यूरेनियम नहीं है, यूरेनियम 238 रखा होता तो क्या होता, यहाँ से एक नया एलिमेंट बनता Pu239 और ये रिएक्शन में पार्ट लेता। ठीक है, तो ये रिएक्शन में पार्ट लेता, फिर सेम होता ये जो यहाँ हो रहा है वो। तो यहाँ क्या होता है, न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग कराई तो इन्होंने दो एलिमेंट्स बनाए, ठीक, दो न्यूट्रॉन निकाले, कभी तीन न्यूट्रॉन निकाले और एनर्जी निकाली। ठीक है, तीन चार जो भी निकाले। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए यूरेनियम 238 किस में बदलता है, प्लूटोनियम 239। ठीक है, फ्यूजन का प्रोडक्ट है ना, और ये क्या कहता है कि भैया देखो तुम अगर मेरे साथ आओगे तो मैं ये काम करूंगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्टाइल मटेरियल। ये क्या है, फर्टाइल है, क्योंकि प्लूटोनियम में चेंज हो रहा है। ठीक, अब देखिए आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, जैसे आपको मैंने बोला कि जो फर्टाइल मटेरियल है उसमें बहुत ज्यादा आइसोटोप है, ठीक है, और इसमें कम है। अब इनको एनरिच करना है भाई, जाहिर सी बात है अगर हमें यूरेनियम 233 यूज करना है और इसमें से 0.7% एनर्जी है तो हमारे किसी काम की नहीं, तो इसे इनहेंस करते हैं। अब क्या होगा, 100 ही तो है, अगर हम इसको इनहेंस करते हैं, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, दूर होते जाएंगे, इसको हम इधर ट्रांसफर करने लगे, मतलब ये खाली जगह फिल करें और इधर खाली करने लगे, तो हम इसको भर सकते हैं। तो मतलब जो 99.7 है इसको हम माइनस में करते जाएंगे और इधर प्लस करते जाएंगे, तो ये एनरिचमेंट होगा। अब एनरिचमेंट भी दो तरीके के होता है, मतलब किसी भी परसेंटेज आइसोटोप का फिजाइल प्रोडक्ट में बढ़ाना इज अ एनरिचमेंट। ठीक है, अब लो एनरिच्ड यूरेनियम की बात करें तो ये बेटा 5 से 20% तक एनरिच होता है, ये आप पीसफुल प्रोडक्ट के लिए यूज किए जा सकते हैं, तो इसकी सेल एंड परचेज अलाउड है। बट अगर हाई एनरिच्ड यूरेनियम की बात करेंगे, ये 20% से हायर होते हैं और 99% तक जाते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उसमें यूज होते हैं, तो इनको हम यूज नहीं कर सकते सेल परचेज के लिए, पीसफुल प्रोडक्ट के लिए यूज नहीं होते,
इसलिए इसको हम नहीं कर सकते। तो ये सेल नहीं होता, ये आपको सेल में मिलेगा। अब न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फिजन की बात करेंगे, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, जो आपका जनरली कहाँ होता है, सन में। ये क्या करते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट मिलके बड़ा एलिमेंट बनाते हैं और फिर ये टूटता है, फिर एनर्जी देता है। यहाँ पर क्या होता है, दो छोटे एलिमेंट मिलके एक बिग एलिमेंट बनाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराएंगे, बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा और ये एनर्जी बना देगा। क्लियर है? अब देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन लिखा हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये स्क्रीनशॉट है, ये कुछ ज्यादा नहीं है, एक एनसीईआरटी है। आप एक बार कंपैरिजन चार्ट स्क्रीनशॉट लेके खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें मैं कुछ समझा नहीं रहा। तो आज इस लेक्चर में इतना ही है बेटा, अगले लेक्चर में मैं इसकी और डिटेल लेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कोई दिक्कत हो प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं आपको और इसमें इंप्रूवमेंट कर सकूं। तब तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए, प्लीज टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।